नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर, पेश ने हुण तक दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात दे सफल दौरे तों बाद कतर पहुंच गए ने। इत्थे पुज्जण ते उन्हां दा रस्मी तौर ते स्वागत कीता गया। मगरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा विच कतर दे अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी नाल मुलाकात की। इस दौरान दोवां आगुआं ने दुवल्ले खेतरी ते कौमांतरी महत्ता वाले मुद्दिआं ते विचार वटांदरा कीता। केंद्र सरकार ते अंदोलनकारी किसान जथेबंदियां दे आगुआं दरमियान चंडीगढ़ विच अहम मीटिंग हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मीटिंग विच कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा अते आम लोगों दीआं मुश्किलां भी छेती तो छेती हल हो जाणगीआं। चंडीगढ़ विच किसान आगुआं ते केंद्रीय मंत्रियां अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल अते नित्यानंद राय दरमियान होण वाली तीजे गेड़ दी गल्लबात बहुत अहम मन्नी जा रही है। पंजाब हरियाणा दीआं सरहदां ते चल रहे किसान अंदोलन दा असर आम जनजीवन ते देखण नूं मिल रिहा है। सब्जियां ते होर जरूरी वस्तां दे भाव, उन्हां दी सीमित उपलब्धता, खास करके पंजाब तों बाहर पैदा होण वालियां सब्जियां दी सप्लाई ते असर पैण कारण वधणे शुरू हो गए ने। अमृतसर अते चंडीगढ़ तों दिल्ली तक दे हवाई किराए विच आम दरां दे मुकाबले 10 गुणा तक वाधा दर्ज कीता जा रिहा है। दिल्ली लई सरकारी ट्रांसपोर्ट बसां नूं मुअत्तल करन कारण टैक्सी किराए आसमान नूं छू रहे ने। प्राइवेट बस ऑपरेटर भी उपलब्ध सीमित यात्रा विकल्पां दा फायदा चुक रहे ने अते लोड़ तों वध किराए दी वसूली कर रहे ने। किसानां वल्लों कीते जा रहे प्रदर्शन दे चलदिआं बच्चिआं दी पढ़ाई दी भी प्रभावित हो रही है। बच्चों के मापियां का कहना है कि सड़कां बंद होने के चलदे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे अते इंटरनेट बंद होने कारण उन्हां कोल घर तो ही पढ़न का बदल खत्म हो गया है। इसे दौरान केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया पोस्ट राही किसानों की भलाई लई पीएम किसान योजना तहत किए जा रहे उपरालिया नूं दर्शाउण दा एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो च दस्या गया है कि केंद्र सरकार किस तरह नाल देश के किसानों लई समाजिक सुरक्षा नूं यकीनी बना रहा है। इस योजना तहत भारत के खेती खेतर नूं आत्मनिर्भर खेती विच बदलने लई कीते जा रहे उपरालियां बारे भी जानकारी सांझी कीती गई है। आजादी के बाद किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी योजना आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से मेरे देश के करोड़ों करोड़ों किसान भाइयों बहनों के आशीर्वाद से आरंभ हो रही है। With an objective to augment the income of all landholding farmer families, excluding those belonging to higher economic status, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, a central sector direct benefit scheme with 100% funding from center, was launched by Honorable Prime Minister on 24th February 2019. Under the PM Kisan Yojana, income support of Rs. 6,000 per annum is provided to all eligible farmer families across the country in three equal installments of Rs. 2,000 each every 4 months to enable them to take care of farm-related expenses such as ensuring proper crop health and appropriate yields commensurate with the anticipated farm income at the end of each crop cycle. It also protects farmers from falling in the clutches of money lenders for meeting such expenses and ensure their continuance in the farming activities. A direct transfer scheme like PM Kisan is a game changer and has a significant impact on the lives of the farmers, leading towards Atmanirbhar Krishi. ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਣ ਸਿੱਲੇ ਖੇਡ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100% ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਰਐਨਯੂ ਡੀਡੀਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।